हेलो एवरीवन, आज का हमारा सब्जेक्ट है TDEP ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर। आज हम कुछ डिस्कस करेंगे केल्विन का मितव्ययी सिद्धांत क्या है, इसकी परिसीमाएं क्या हैं। केल्विन का मितव्ययी सिद्धांत इकोनॉमिक प्रिंसिपल ऑफ केल्विन जो किसके लिए दिया गया था, ट्रांसमिशन लाइन में कंडक्टर की कॉस्ट को मिनिमाइज करने के लिए दिया गया था। पर्पस क्या था इसका, ट्रांसमिशन लाइन में जो ओवरऑल कॉस्ट है वो डिपेंड करती है कंडक्टर के साइज पर। कैसे, कंडक्टर के साइज पर ही आपके टावर्स का साइज, उसमें लगने वाला इंसुलेटर और जितना भी स्ट्रक्चर है मेनली कंडक्टर के साइज पर डिपेंड करता है। तो ट्रांसमिशन लाइन की ओवरऑल कॉस्ट को मिनिमाइज करने के लिए केल्विन ने ये प्रिंसिपल दिया था कि कैसे हम ट्रांसमिशन लाइन की कॉस्ट को मिनिमाइज करें। अब इसकी परिसीमाएं क्या, परिसीमा यानी लिमिटेशन, इसकी क्या लिमिटेशन है। तो सबसे पहले पर्पस क्या है इसका, पर्पस ये है कि ट्रांसमिशन लाइन की कॉस्ट को मिनिमाइज करना। तो ट्रांसमिशन लाइन की कॉस्ट के बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा। ट्रांसमिशन लाइन की कॉस्ट दो टाइप की होती है, नंबर वन फिक्स्ड कॉस्ट स्थिर लागत, नंबर टू रनिंग कॉस्ट चल लागत। फिक्स्ड कॉस्ट जो खर्च एक्सपेंडिचर आपका फिक्स है, जैसे आपको पोल लगाना और पोल हैं, क्रॉस आर्म होती हैं, आपके कंडक्टर का खुद का खर्च है, इसके अलावा जो कुछ भी एक्सपेंडिचर पूरा सेटअप लगाने में लगेगा वो आपका फिक्स्ड कॉस्ट होता है। अच्छा, तो कंडक्टर जब इसे फिक्स्ड कॉस्ट है तब बात आती है कि इंटरेस्ट और डेप्रिसिएशन, हमने लिख रखा है जो है इंटरेस्ट एंड डेप्रिसिएशन। ये क्या है, ट्रांसमिशन लाइन काफ़ी लंबी किलोमीटर्स के लिए बनती है, तो ट्रांसमिशन लाइन की जो कॉस्ट होती है वो हज़ारों करोड़ों में होती है। एक ओवरऑल अगर ट्रांसमिशन लाइन आप बिछाने जाएं तो आप मिनिमम मान के चलें कि करोड़ रुपए तो कम से कम खर्च होंगे। अब जो भी कंपनी उसको एस्टेब्लिश कर रही है, हो सकता है उसके पास इतना पैसा ना हो, तो हो सकता है वो बैंक से लोन ले, तो वो कंपनी अपने प्रोजेक्ट में उस पर जो पैसा वो लोन लेगी अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को खड़ा करने के लिए, उस पर इंटरेस्ट पहले से कैलकुलेट करके चलती है। दूसरा डेप्रिसिएशन, इसको बोलते हैं मूल्यह्रास। जब कोई भी आप कोई नई चीज़ खरीदते हैं तो जाहिर सी बात है उसकी कॉस्ट में डेप्रिसिएशन होना शुरू हो जाता है। डेप्रिसिएशन मूल्यह्रास कैसे, जैसे कि आप आज एक मोटरसाइकिल लेकर आए हैं 50,000 रुपये की, अगर आपको उसको एक महीने बाद या 10 दिन बाद ही बेचना हो तो वो जाहिर सी बात है 50,000 की तो नहीं बिकेगी, कुछ ना कुछ उसकी कॉस्ट में कमी आ गई होगी। इसी को बोलते हैं डेप्रिसिएशन। क्यों, क्योंकि वो चल चुकी है, थोड़ा बहुत कह सकते हैं कि उसके पार्ट्स घिस चुके हैं, तो मान के चलते हैं यार कुछ ना कुछ उसमें मेंटेनेंस कराना पड़ेगा, इसको उसकी कॉस्ट जो है कम हो गई। तो इसको जो भी इस्टेब्लिश कराता है कंपनी उसको एनुअल फिक्स्ड माना जाता है, क्योंकि एक बार आपने लोन ले लिया तो फिक्स हो गया 10 साल 15 साल के लिए आपको उसको देना है, तय करना है, बराबर। अच्छा, लेकिन इसमें अब आगे बढ़ते हैं, जो कंडक्टर की कॉस्ट होती है, कंडक्टर की कॉस्ट ये डिपेंड करती है एरिया पर। कैसे, कि आपको जो लोड ले जाना है, लोड जो भी वेरिएबल होता है फिक्स तो होता नहीं, तो करंट जो भी आप उसके थ्रू ले जाएंगे, करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लोड, तो करंट के प्रोपोर्शनल में ही आपको कंडक्टर का साइज रखना पड़ेगा। कंडक्टर साइज यानी एरिया, अगर ज़्यादा लोड है यानी ज़्यादा करंट है तो ज़्यादा एरिया चाहिए, यानी कि ज़्यादा मोटा वायर चाहिए। अगर लोड कम है यानी करंट कम है तो आप पतले तार से आपका काम चल जाएगा। तो एक लिमिट के बाद में माना यह जाता है कि जो कंडक्टर की कॉस्ट होती है वो सेमी फिक्स्ड होती है। ये किस पर डिपेंड करती है, एरिया पर डिपेंड करती है कंडक्टर की। जैसे जैसे एरिया बढ़ता जाएगा कंडक्टर का, वैसे वैसे कंडक्टर की कॉस्ट बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो हमने माना कि जो हमारी, यानी अब इसमें दो तरह की कॉस्ट होगी, एक तो जो फिक्स है और एक सेमी फिक्स है। तो माना कि जो फिक्स्ड कॉस्ट है वो है C1 डैश, इसको मान लिया हमने P1। जो P1 क्या है, कांस्टेंट है, कि जितना भी एक ओवरऑल खर्चा है हमने मान लिया कांस्टेंट है। नेक्स्ट क्या, जो सेमी फिक्स्ड कॉस्ट है वो C1 डबल डैश इक्वल्स टू P2A। P2 भी एक कॉन्स्टेंट है और A एरिया, ये कैसे आया है, इसको मैंने साइड में लिख रखा है।
ये जो कॉस्ट डिपेंड करेगी वो डिपेंड करेगी मास ऑफ कंडक्टर पर, यानी कंडक्टर का मास क्या है। अगर आपको मास निकालना हो तो कंडक्टर की डेंसिटी इनटू वॉल्यूम यानी उसका आयतन, वॉल्यूम को अगर आप और ओपन करेंगे तो उसका एरिया इनटू लेंथ। अब आप इसको देखेंगे तो ये आपकी लेंथ फिक्स है, तो फिर ट्रांसमिशन लाइन बनाते तो जनरली फिक्स होता है कि 100 किलोमीटर 150 किलोमीटर एक तरीके से लेंथ जो है फिक्स हो गई, यानी कंडक्टर की लेंथ भी फिक्स हो गई। डेंसिटी, करंट डेंसिटी आपको कितनी रखनी है, कंडक्टर डेंसिटी आपको कितनी रखनी है वो फिक्स है। तो ओवरऑल आप देखेंगे कि इस पूरे को हमने कांस्टेंट मान लिया है, पी टू इक्वल टू हो जाएगा के रो एल, जो कांस्टेंट हमारा पी टू इनिशियली फिक्स्ड कॉस्ट सी वन डैश इक्वल्स टू पी टू ए। अब टोटल फिक्स्ड कॉस्ट इक्वल्स टू क्या हो जाएगी, सी वन डैश प्लस सी वन डबल टू। देन और हम आते हैं हमारी रनिंग कॉस्ट। रनिंग कॉस्ट यानी कि ट्रांसमिशन लाइन को चलाने में जो खर्चा है, और ट्रांसमिशन लाइन से क्या चलेगा, लोड चलेगा, लोड यानी करंट। अब जब ट्रांसमिशन लाइन यानी वायर्स में करंट जाएगा तो जाहिर सी बात है कि कितना भी एरिया आप रख लें तो उसकी, क्योंकि लंबाई काफ़ी ज़्यादा है तो उसका कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस जरूर होगा। तो जब थोड़ा सा भी रेजिस्टेंस है और अगर मान लीजिए बहुत ज़्यादा लोड है तो आई स्क्वायर आर लॉसेस क्या होंगे वहाँ पे, बहुत ज़्यादा होंगे यानी लॉसेस। तो हम मान के चलते हैं कि जो रनिंग कॉस्ट है हमारी वो आई स्क्वायर आर लॉसेस में जाने वाली कॉस्ट है, यानी सी टू रनिंग कॉस्ट प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर आर। आई स्क्वायर आर को ओपन करेंगे तो आर इक्वल्स टू रॉयल ऑफ ए, तो हमारा जो सी टू कॉस्ट है वो इक्वल्स टू हो जाएगा पी थ्री ए के। पी थ्री क्या है, तीसरी को हमने कांस्टेंट मान लिया है ये रो, और करंट को भी अगर मान लें थोड़ी देर के लिए कांस्टेंट मान लें कॉस्ट निकालने के लिए, तो कैलविन ने ये माना था तो अभी हम यहाँ पे ये देख रहे हैं। तो हमारी अब टोटल कॉस्ट की बात करें हम, तो टोटल कॉस्ट हमारी जो है वो क्या होगी, सी वन प्लस सी टू, सी वन यानी फिक्स्ड कॉस्ट प्लस सी टू यानी रनिंग कॉस्ट। अब टोटल कॉस्ट को कैलविन को मिनिमाइज करना था, तो मिनिमाइज करने के लिए उन्होंने यूज किया मैक्सिमम मिनिमम। तो मैक्सिमम मिनिमम के लिए हमने सबसे पहले क्या किया, टोटल कॉस्ट को विद रेस्पेक्ट टू एरिया डिफरेंशिएट किया और उसको जीरो के इक्वल रख के देखा। तो जीरो के इक्वल करेंगे तो आपने जो एक्सप्रेशन था सी वन प्लस सी टू दोनों को ऐड कर देंगे यहाँ पे, पी वन प्लस पी टू